आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं, अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा है जिसने देश के हर नागरिक का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। काशी विश्वनाथ धाम के भव्य उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की जनता को संबोधित करते हुए भारतीय संस्कृति की भव्यता के साथ साथ उन मुगल शासकों के बारे में भी बताया जिन्होंने मंदिर को ध्वस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन हम आपको यहां बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बिग प्लान में अयोध्या, काशी और मथुरा के अलावा बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी का ये मंदिर मिशन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि विदेशों में भी अपने इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं। आज हम आपको अपनी इस खबर में एक एक करके उन मंदिरों से वाकिफ कराएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर मिशन में शामिल हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की पूजा अर्चना वाली तस्वीर ने न सिर्फ देश का ध्यान इस तरफ खींचा बल्कि विदेशों में भी मोदी के बनारस का रंग खूब देखने को मिला। हालांकि किसी मंदिर के पुनर्निर्माण की यह कोई पहली योजना नहीं है जिसकी शुरुआत या लोकार्पण पीएम मोदी के कार्यकाल में हुआ है। इससे पहले करीब 7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मोदी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में शुरू कराया है। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है अयोध्या स्थित राम मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यक्रम का, जिसकी नींव मोदी ने ही अगस्त 2020 में हिंदू रीति रिवाजों से पूजा करने के बाद रखी थी। इसके अलावा आधा दर्जन और योजनाओं की नींव भी पीएम अपने कार्यकाल में कर चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि बीते 7 सालों में मोदी के मंदिर मिशन में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं और मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितनी कीमत की योजनाओं की शुरुआत की है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी का था वो पूरा हो चुका है। 1969 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करा दिया था। फिर 1780 में इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को दोबारा बनवाया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर को पूरा करके दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकसभा से पहले लॉन्च किया गया था और यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसका उद्घाटन किया गया। मार्च 2019 में मोदी ने काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। दिसंबर 2021 में 339 करोड़ के रेनोवेशन कामों का लोकार्पण किया। 5 लाख वर्ग फीट में
कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। राम मंदिर पुनर्निर्माण योजना। राम मंदिर के पुनर्निर्माण पर बीते कई सालों से चल रहे विवाद का अंत 2019 में हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मंदिर की जमीन को हिंदू पक्ष के हवाले करने का फैसला किया। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने राम मंदिर के पुनर्निर्माण की कोशिशें तेज कर दी। इसके लिए मोदी सरकार की तरफ से फंड का भी ऐलान किया गया और अगस्त 2020 में मोदी ने हिंदू रीति रिवाजों से पूजा कर इसकी नींव रखी। माना जा रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने कुछ समय पहले ही ऐलान किया था कि चंदे से जुटाई गई रकम अब तक 1100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और इसका इस्तेमाल मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या में अन्य धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए भी किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान सोमनाथ मंदिर के परिसर के सौंदर्यकरण के कई प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए मोदी ने इस साल अगस्त में एक बार फिर सोमनाथ मंदिर में बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। 80 करोड़ की कीमत के 3 अहम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पहला प्रोजेक्ट पार्वती माता के मंदिर का शिलान्यास था। मोदी ने सोमनाथ मंदिर में बने दर्शन पथ का भी उद्घाटन किया। इसे 47 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। दर्शन पथ से भक्त समुद्र के साथ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने इसके अलावा एक एग्जीबिशन सेंटर और पुनर्निर्मित महारानी अहिल्याबाई मंदिर के परिसर का भी लोकार्पण किया था। सोमनाथ ट्रस्ट ने यह परिसर करीब 3 करोड़ रुपए में तैयार करवाया था। बताया जाता है कि पर्यटन मंत्रालय ने सोमनाथ मंदिर को पर्यटकों के लिए विकसित करने की भी योजना बनाई है। अगर यह योजना मंजूर होती है तो सोमनाथ मंदिर में 111 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की शुरुआत होगी, जो मंदिर का नक्शा ही पूरी तरह बदल देगी। सोमनाथ मंदिर के मास्टर प्लान के तहत इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए 282 करोड़ रुपए के खर्च अनुमानित है, जिसके अधिकतर खर्च केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों की ओर से किया जाएगा। केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड में 2013 में आई भयानक प्राकृतिक आपदा से केदारनाथ मंदिर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। मोदी ने 2014 में पीएम बनने के बाद से ही इस मंदिर के पुनरुद्धार की योजना तैयार करवानी शुरू कर दी थी। मोदी ने रुद्रप्रयाग में 130 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित मंदिर का लोकार्पण किया था। इसके अलावा मोदी ने रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाके के लिए 180 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया था। इसमें संगम घाट के पुनर्निर्माण से लेकर टूरिस्ट सेंटर और प्रशासनिक दफ्तर और अस्पताल के निर्माण तक शामिल थे। मोदी ने पर्यटन के लिहाज से अगली सदी को उत्तराखंड की सदी भी करार दिया था। चार धाम परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में चार धाम परियोजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार ने चारों धाम को जोड़ने के लिए एक सर्किट बनाने का ऐलान भी किया था। इसके तहत सरकार ने 889 किलोमीटर लंबे हाईवे के चौड़ीकरण का लक्ष्य रखा था और इस सर्किट पर ऑल वेदर यानी हर मौसम में मजबूत रहने वाली सड़क के निर्माण कराया तय किया था। इसके जरिए भक्तों को हर मौसम में हिमालय के ऊपरी हिस्से पर मौजूद बद्रीनाथ, केदारनाथ,
गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने का मौका मिलेगा। पीएम ने दिसंबर 2016 में प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, तभी इसकी अनुमानित लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। कश्मीर में मंदिरों का पुनर्निर्माण। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द हो जाने के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में अब मंदिरों के पुनर्निर्माण कार्यों को शुरू कराया है। इनमें श्रीनगर में कुछ धार्मिक स्थलों का दोबारा निर्माण कराया जाना शामिल है। हाल ही में श्रीनगर में रघुनाथ मंदिर को पुनर्निर्मित कराया गया और अब खराब स्थिति में मौजूद अलग अलग मंदिरों को चिन्हित कर उनके पुनर्निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। खुद गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी कह चुके हैं कि कश्मीर में करीब 50,000 मंदिर बंद हो चुके हैं जिनके पुनर्निर्माण का कार्य किया जाना है और सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी कर दी है। जिन मंदिरों का पुनर्निर्माण होना है उनमें अनंतनाग का मारतंड मंदिर, पाटन का शंकर गौरीश्वर मंदिर, अवंतीपोरा के अवंती स्वामी और अवंतीश्वरा मंदिर और श्रीनगर के पांद्रेथन मंदिर शामिल हैं। विदेश में मंदिर निर्माण कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मंदिर निर्माण कार्यों की शुरुआत कराई है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने 2018 में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में इसकी शुरुआत की। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया था। यूएई सरकार भी मोदी के इस काम में पूरा साथ दी। यूएई सरकार ने 2015 में मोदी के लिए जमीन आवंटित की थी। 2019 में मोदी ने बहरीन में एक बड़ा ऐलान किया था 200 साल पुराने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनाने का। श्री कृष्ण जी का यह मंदिर 3 मंजिला होगा। इसमें हिंदू रीति रिवाजों से शादियों का आयोजन भी किया जाएगा। जिन्होंने 18वीं सदी में मंदिरों के निर्माण और उनके जीर्णोद्धार का अभूतपूर्व कार्य किया था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बना। खैर, मोदी के इस मिशन मंदिर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।